गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कॉजेज ऑफ ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, संचार के बढ़ते महत्व के कारण। कि संचार का महत्व प्रत्येक युग में होता है, क्योंकि संगठित युग कोई भी कार्य संचार के बिना संभव नहीं है। वर्तमान दुनिया दिनों दिन संगठित एवं एकीकृत होती जा रही है, संचार का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। वर्तमान युग में संचार व्यवस्था के बढ़ते महत्व के कारण हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। किसका महत्व दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ रहा है, इसके क्या कारण हैं। मानव व्यवहार में संचार की व्यवस्था, संचार का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना संचार के आप कोई भी संगठन नहीं बना सकते, कोई भी प्रबंध नहीं कर सकते। किसी भी संस्था की प्रगति ही संस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। तो संस्था अपने आप में इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। जैसे संगठनों के आकार में वृद्धि, संगठनों का भौतिक, सबसे पहला है संगठनों के आकार में वृद्धि। वर्तमान समय में व्यवसायिक संगठनों के आकार में निरंतर वृद्धि हो रही है। इनमें से कई संगठन तो ऐसे हैं जिसे कर्मचारियों की संख्या हजारों तथा लाखों में भी हैं। इन संगठन के कार्य और निर्देश, नियंत्रण एवं समन्वय के लिए प्रभावी संचार व्यवस्था बहुत ही आवश्यक होती है। तो संगठन के आकार में वृद्धि ग्रोथ इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है संचार के लिए। दूसरा पॉइंट है संगठनों का भौतिक विस्तार। वर्तमान दौर में व्यवसायिक संगठन का भौतिक विस्तार हो रहा है। संगठन का भौतिक कार्य क्षेत्र स्थानीय से राज्य स्तरीय, अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय या भूमंडलीय होता जा रहा है। फलतः व्यवसाय संगठन के कार्यालय, उत्पादन संयंत्र, विपणन, कर्मचारी आदि विभिन्न स्थानों पर फैलते रहे। उन सभी कार्यों का निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय करने के लिए प्रभावी संचार व्यवस्था की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। तो संगठन के भौतिक विस्तार के लिए भी संगठन का संचार के हमारे महत्व बढ़ते हैं। तकनीकी उन्नयन और विकास। तकनीकी विकास ने भी संचार व्यवस्था के महत्व को बढ़ाया है। जो तीसरा पॉइंट है तकनीकी उन्नयन या विकास, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, तकनीकी विकास ने भी संचार व्यवस्था के महत्व को बढ़ाया है। तकनीकी विकास ने प्रबंध के ज्ञान एवं व्यवहार को नई दिशा दी है। प्रबंध के कार्यों में ही नहीं, कर्मचारी के कार्य में भी नवीन तकनीकी का उपयोग बढ़ रहा है। संचार ने भी नए नए उपकरणों एवं माध्यम विकसित हो रहे हैं। ऐसे में संस्था के सभी कर्मचारी को नवीन प्रबंध के कार्य, तकनीकी तथा संचार माध्यम उपकरणों को परिचित करना भी आवश्यक हो गया है। इस हेतु प्रभावी संचार व्यवस्था को बनाए रखना परम आवश्यक होता जा रहा है। चौथा पॉइंट है श्रम संघों का विकास, ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन। यद्यपि पिछले कुछ दशकों में श्रम संघों का विकास की गति धीमी अवश्य हुई है, किंतु 20वीं शताब्दी और अधिक वर्षों के श्रम संघों के तीव्र विकास हुआ है। वे इतने ही अधिक शक्तिशाली से उभरे हैं कि उनका विश्वास उनके लिए बिना संस्था का संचालन सुगमता से नहीं किया जा सकता। श्रम संघों तथा प्रबंधकों के बीच मधुर संबंधों के लिए प्रभावी संचार व्यवस्था का प्राथमिक आवश्यक है। तो श्रम संघों और प्रबंधकों के बीच में जो कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो हमारी व्यवस्था भी अच्छे से चलेगी। तो मानव व्यवहार में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं कि हमारे श्रम संघों और प्रबंधकों के साथ कैसा व्यवहार है। पांचवा पॉइंट है प्रबंध में मानवीय संबंध एवं व्यवहारवादी विचारधारा का जन्म। 20वीं शताब्दी के तीसरे चौथे दशक में प्रबंध में मानवीय संबंधों का विचारधारा का जन्म एवं विकास हो गया। इस विचारधारा ने प्रबंधकों को कर्मचारी के साथ मनुष्यों की तरह व्यवहार करने पर बल दिया तथा कर्मचारी को मशीन की भांति समझने का विरोध किया। इस विचारधारा ने प्रबंधकों को कर्मचारी के साथ बेहतर मानवीय संबंध बनाने हेतु प्रेरित किया, जो प्रभावी संचार व्यवस्था के द्वारा ही बनाए जाते हैं। धीरे धीरे इस विचारधारा के कई समाजशास्त्री, मानवशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों ने गहन अध्ययन किया और कुछ नए आयाम जोड़कर इस विचारधारा को व्यवहारवादी प्रबंध के विचारधारा के नाम से जाना।
इस विचारधारा ने इस बात पर बल दिया कि प्रबंध करने हेतु मानव व्यवहार को समझकर ही कर्मचारी के साथ व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने इस हेतु संचार व्यवस्था को अपहरण माना और आधुनिक की प्रबंध को संचार की व्यवहारवादी प्रबंध विचारधारा को लागू करने के लिए प्रभावी संचार व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसका जनसंपर्क। प्रत्येक व्यवसाय संस्था जनता के विभिन्न वर्गों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ता, अन्य व्यवसायिक संस्था जो निवेश, वित्तीय संस्थाएं, सरकार, स्थानीय समुदाय आदि से जुड़ी होती हैं, वह उन सभी वर्गों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि इन सभी वर्गों के सामूहिक योगदान से ही वह संस्था की भलीभूति होते हैं। ऐसे में उन सभी वर्गों को निरंतर संपर्क बनाने हेतु प्रभावी संचार व्यवस्था के लिए परमावश्यक होते हैं। सातवां पॉइंट है कार्य विभाजन और विशिष्टीकरण का सिद्धांत। वर्तमान युग में किसी भी कार्य का विभिन्न भागों में विभक्त करने तथा प्रत्येक भाग को किसी विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्ति को पूरा करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जब एक ही कार्य के विभिन्न भागों में विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा संपन्न किए जाएंगे, तब उनके बीच आपसी सूझबूझ एवं सहयोग की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऐसा होने पर कि एक ही कार्य को विभिन्न भागों में विभिन्न व्यक्तियों विभागों द्वारा करने पर उन्हें आसानी से एकत्र एवं समन्वित किया जा सकता है। ऐसे में प्रभावी संचार व्यवस्था के उन्हें बीच प्रभावी सूझबूझ सहयोग और समन्वय की भावना उत्पन्न होती है। एंड आठवां पॉइंट है बढ़ती प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा व्यवसाय और उपभोक्ता दोनों के लिए हित होती है।